नमस्कार बच्चों कल हमने आपको करवाया था शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है शब्द के कुछ नियम बताए थे और शब्दों का वर्गीकरण भी बताया था जिसमें तत्सम तद्भव विदेशी देशी शब्द आए अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर रचना के आधार पर तो आज हम आपको एक नया विषय करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार वर्ण विचार क्या है वर्ण क्या होते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते सबसे छोटी ध्वनि होती है स्वर सबसे छोटी ध्वनि होती है स्वर जैसे अ ओ ए ठीक है? ये सारे हमारे होते हैं स्वर ये सा, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते जब शब्द हम लिखते हैं शब्दों के अंदर से हम इनको अलग करते हैं वर्णों को तो उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं उसे कहते हैं वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं स्वर दो प्रकार के वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन वर्णों का महत्व अब देखिए हम स्वर और व्यंजन करवाने से पहले आपको वर्णों के महत्व के बारे में बताते हैं कि वर्णों का महत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक है वर्ण भाषा की मूलभूत इकाई है जिसके बिना भाषा संभव नहीं वर्णों के बिना भाषा का उच्चारण असंभव है शोध लेखन नहीं होता वर्णों का सही आकार जाना पहचाना अति आवश्यक हो जाता है अगर हम कुछ भी उल्टे सीधे अक्षर लिख दें तो आप शब्द कैसे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है ठीक है अगर हम अ म न अमन लिखते हैं अगर मैंने पहले न लिख दिया फिर आ लिख दिया फिर म लिख दिया तो अमन नहीं बनेगा वो शब्द निरर्थक हो जाएगा क्योंकि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह था वो सही नहीं था इसलिए वर्णों का जो महत्व होता है वो हमारे लिए अति आवश्यक होता है हमारी हिंदी की जो वर्णमाला जो आप बचपन से सीखते आए हो उसमें कुछ ध्वनियां हैं जिसको हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं वर्णमाला होती है वर्णमाला में टोटल हमारे फिफ्टी टू और स्वर और व्यंजन आते हैं जिसका आज हम आपको बताएंगे वर्गीकरण कि कौन सा स्वर कहाँ है कौन सा व्यंजन कैस कैसे कहाँ पर आता है तो वर्णों का कर्म क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है वर्णमाला होती है जिसके अंदर स्वर और व्यंजन उस माला के मोती होते हैं एक माला बना दी जाती है उसमें स्वर और व्यंजन फिफ्टी टू बीट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ण माला तो आइए हम आपका वर्ण माला से परिचय करवाते हैं पहले आते हैं स्वर अ ऋषि ए ए ओ ठीक है ये हमारे हैं ग्यारह कितने हैं हमारे ये ग्यारह आप इनको काउंट कीजिए ये हमारे ग्यारह है ठीक है इसके बाद जो ये दो आते हैं वैसे तो हमारी टोटल संख्या स्वर की तेरह होती है लेकिन हम इनको ग्यारह में रखते हैं तो आ, जो अनुस्वार और जो विसर्ग है ये व्यंजन के साथ ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं व्यंजन पे लगते हैं ना तो ये पूरे व्यंजन में आते हैं और ना ही ये पूरे स्वर में आते हैं अब व्यंजन देखिए क वर्ग पहली क ख गंगा छ झ अना टण त थ द ध न प फ प भ स और ये दो हो गए अतिरिक्त व्यंजन जो हमारे पहले आ, ये देखिए हमारा जो का से लेकर के पा तक है ये हमारा होता है स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं हम इन्हें स्पर्श व्यंजन ठीक ये जब हमारे मुख में मुख में अक्षर बोले जाते हैं तो किसी ना किसी तालू से दंत से ये टच होते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन उसके बाद जब ये या, ये श वाले ये जो तीन लाइनें हैं उसमें जो पहली आती है य ल व ये होते हैं अंतस्था श स ह ये होते हैं ऊष्म व्यंजन और क्ष त्र श्र ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन हमारे संख्या में पच्चीस हैं अंतस्थ हमारे चार हैं व्यंजन भी हमारे चार हैं संयुक्त व्यंजन भी चार दो हमारे आते हैं ये अतिरिक्त व्यंजन अतिरिक्त व्यंजन का प्रयोग और जो ये देखिए आपको एक डिफरेंस में और बता दूं जो आपके यहाँ पर जो आप लिखते हैं ये डा और ये वाला जो डा आया है कई बच्चे इसी को अतिरिक्त व्यंजन मान लेते हैं कि ये देखो डा डा यहाँ भी है और डा डा यहाँ भी है तो हम इनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं जो पेड़ में लगाया जाता है पेड़ अड़ा तो उसके अंदर डॉट नीचे आती है लेकिन ये ड ये डाकिया वाला ड है ये पेड़ वाला अड़ा है इसमें अतिरिक्त साउंड आती है अड़ा तो इसमें हम बोलते हैं अड़ा ऊष्म व्यंजन श ह में मुख से एक ऊष्मा निकलती है इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जैसे का और श से मिल के बने तो बना शा त्रा ता और रा से मिल के बने ज्या, जा और इना से मिलकर बने और श्रा श से मिलकर बने अब आगे देखिए वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण की परिभाषा करनी है ठीक है वर्णों का क्रमवत् व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है वर्ण की परिभाषा वर्णमाला की परिभाषा फिर आपको वर्णों के भेद करने हैं सबसे पहला स्वर आज हम आपको करवाएंगे स्वर के बारे में केवल फिर हम आपको करवाएंगे कल व्यंजन के बारे में सबसे पहले स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती स्वरों को किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती इन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी में कुल जो स्वर हैं वो ग्यारह हैं हम आपको ऊपर भी पहले बता चुके हैं कि ये पूरे संख्या में ग्यारह हैं ठीक है इसके बाद आते हैं सबसे पहले हस्व स्वर भी जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हस्व स्वर कहते हैं स्वर में देखिए जो ऊपर के आ आ ई है इसमें से सबसे कम समय किस में लग रहा है छोटा आ छोटा ई छोटा उ री अ ठीक है सबसे कम समय लग रहा है इसमें तो इसको कहते हैं हस्व स्वर उसके बाद आता है दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में हस्व से हस्व स्वर से दुगना समय इनसे दुगना समय लगता है इनसे दुगना समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर अब ऊपर देख ली आपने जो आपने हस्व में निकाले थे उनको आप छोड़ दीजिए बड़ा आ बड़ा ई बड़ा उ बड़ी ए और ओ ओखली वाला और औ से औरत वाला ठीक है ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर ये संख्या में सात हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात ये हास्व से ज़्यादा समय लेते हैं ये संख्या में सात है। हैं उसके बाद आता है प्लुत स्वर प्लुत स्वर क्या होता है जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर से भी देखिए इससे तिघना समय हम कह सकते हैं एक दो तीन इससे तिघना समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर इसको बुलाने के लिए जैसे हम किसी को बुलाएंगे ओम तो ओम में हमारा तीस दो गुना ज्यादा हमारा समय लगा हम जब कहेंगे अ ई उ तो इससे ज़्यादा ओम तो यहाँ पे हो गया प्लुत स्वर देखिए आज हमने आपको करवाया वर्ण वर्ण बहुत ही अच्छा चैप्टर है समझने के लिए ये आपकी वर्तनी को भी शुद्ध करता है आपको शब्दों की पहचान करवाता है आगे वर्ण विच्छेद आप इससे कर सकते हैं अनुस्वार को समझेंगे अनुनासिक को समझेंगे आयोग वहाँ जो ये होते हैं क्या होते हैं आपको वर्ण विचार में उच्चारण और शुद्ध वर्तनी दोनों के फ़ायदा होने वाला है इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए पाठ को समझें तो आपकी गलतियाँ कभी भी नहीं होंगी जिसको हम वर्तनी कहते हैं हिंदी में आपकी शुद्ध वर्तनी होनी अति आवश्यक है वर्णों का महत्व वर्ण की परिभाषा और जो हमने आपको करवाया स्वर और व्यंजन आपको ज़रूर आने चाहिए स्वर और व्यंजन आपको आने चाहिए पूरा जैस जिस ढंग से आप स्वर लिखा हुआ है और व्यंजन लिखे हुए हैं पूरे और ये दो अतिरिक्त व्यंजन भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये जरूर करेंगे ये काम मैं आपका जरूर देखूंगी जिसमें आपने स्वर और व्यंजन लिखे हैं स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन हमने आज आपको स्वर के बारे में बताया स्वर के तीन भेद होते हैं हास्य स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये सारा कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और वर्ण पाठ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद